1947 भारत आजाद हुआ, एक नया राष्ट्र बना। लेकिन आजादी की कीमत बहुत बड़ी थी, जमीन खून से लाल हुई। हम आते हैं मनोमाजरा, एक शांत गांव में। ये गांव नई बनी सीमा पर है। यहाँ सिख और मुसलमान पीढ़ियों से एक साथ रहते थे, जिंदगी बहुत सुकून से थी। अचानक एक डर का साया फैल जाता है, देश के बंटवारे का ऐलान होता है, भाई भाई का दुश्मन बन जाता है, नफरत का झर फैलता है। मनोमाजरा, जो कभी शांति का प्रतीक था, डर के साये में डूब जाता है। मिलिए झुग्गू सिंह से, वो इलाके का एक दबंग है, दिखने में खुरदुरा लेकिन दिल का अच्छा। हमें उसकी नूरन से मोहब्बत दिखती है, जो एक मुस्लिम लड़की है। इनका मना प्यार इस अफरा तफरी में खिलता है। फिर है हुकुम चंद, एक तजुर्बेकार पुलिस वाला। वो बढ़ती हिंसा से जूझ रहा है, वो अपने फर्ज और इंसानियत के बीच फंसा है। हर किरदार जीने की जद्दोजहद की कहानी कहता है। उनकी कहानियां गांव की किस्मत से जुड़ी हैं, उनके संघर्ष बंटवारे की मानवीय कीमत को दर्शाते हैं। जैसे जैसे हालात बिगड़ते हैं, सांप्रदायिक दंगे भड़क उठते हैं। गांव वाले, जो कभी पड़ोसी हुआ करते थे, एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। पाकिस्तान जाने वाली ट्रेन आती है, यह सुरक्षा का वादा तो लेकर आती है, लेकिन यह जुदाई की निशानी भी बन जाती है। इस खून खराबे के बीच उम्मीद की किरणें अभी बाकी हैं। नूरन के लिए झुग्गू का प्यार और गहरा होता है। हुकुम चंद एक बड़ा फैसला लेता है। साहस और करुणा के ये काम अंधेरे में उम्मीद की किरण दिखाते हैं। ये हमें इंसानियत की अदम्य भावना की याद दिलाते हैं। जमीन पर जख्म, रूह पर जख्म, बंटवारे की जिंदगी बदल देने वाली विरासत, कहानी का अंत दिल दहला देने वाला है। ट्रेन पाकिस्तान के लिए रवाना होती है, अपने पीछे तबाही और बर्बादी का मंजर छोड़कर। हिंसा मनोमाजरा पर एक ऐसा घाव छोड़ती है जो कभी नहीं भरता। गांव वाले अपनी बिखरी जिंदगी को फिर से समेटने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। कहानी कोई आसान जवाब नहीं देती, यह पाठक को बंटवारे की पेचीदगियों से जूझने के लिए मजबूर करती है। दर्द, नुकसान, क्रूरता कहानी में गहराई से उड़ती है। यह नफरत और बंटवारे की मानवीय कीमत की एक कठोर याद दिलाती है। अतीत की गूंज, आज की दुनिया में ट्रेन टू पाकिस्तान। दशकों बाद ट्रेन टू पाकिस्तान की कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। दुनिया आज भी बंटवारे देख रही है। धार्मिक असहिष्णुता, राजनीतिक उथल पुथल और जातीय संघर्ष आज भी हमें घेरे हुए हैं। यह उपन्यास एक आईने की तरह है, यह मानव स्वभाव के अंधेरे पक्ष को दर्शाता है। यह हमें अपने पूर्वाग्रहों का सामना करने के लिए मजबूर करता है। यह हमसे सवाल करता है, क्या हमने अतीत की गलतियों से कुछ सीखा है? यह कहानी सहानुभूति और समझ की जरूरत की एक सशक्त याद दिलाती है। यह हमें मतभेदों को दूर करने और अपनी साझा इंसानियत को अपनाने का आग्रह करती है। अंधेरे से होकर एक सफर, रोशनी की एक गुहार। यह कहानी हमें एक ऐसे समय में ले जाती है जब इंसानियत की परीक्षा हो रही थी। ट्रेन टू पाकिस्तान पर विचार। यह उपन्यास हमें विभाजन के दर्दनाक समय की याद दिलाता है, जब लाखों लोग अपने घरों से बेघर हो गए थे। ट्रेन टू पाकिस्तान को पढ़ना एक भयावह अनुभव है। यह हमें उन कठिनाइयों और संघर्षों से रूबरू कराता है जिनका सामना लोगों ने किया था। यह प्यार और नफरत दोनों के लिए मानवीय क्षमता का कठोर अनुस्मारक है। यह दिखाता है कि कैसे एक ही समय में इंसान प्यार और नफरत दोनों कर सकता है। सिंह के शब्द शक्तिशाली, मार्मिक और अविस्मरणीय हैं। उनकी लेखनी हमें उन भावनाओं की गहराई में ले जाती है जिन्हें शब्दों में बयां करना मुश्किल है। कहानी हमें असहज सच्चाइयों का सामना करने के लिए मजबूर करती है। यह हमें दिखाती है कि कैसे कठिन परिस्थितियों में भी इंसान अपनी मानवता को बनाए रख सकता है। यह हमें पूर्वाग्रह से ऊपर उठने और करुणा को अपनाने की चुनौती देती है। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने भीतर की नफरत को छोड़कर दूसरों के प्रति दया और समझ दिखा सकते हैं। यह एक कालातीत कृति है। यह हमें याद दिलाती है कि इतिहास से सीखना कितना महत्वपूर्ण है, ताकि हम भविष्य में ऐसी गलतियों को दोहरा न सकें। शांति और समझ का इसका संदेश आज पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम अपने समाज में शांति और सद्भावना को बढ़ावा दें, जैसा कि हम आज भी बंटवारे से जूझ रही दुनिया में जी रहे हैं। ट्रेन टू पाकिस्तान के सबक बहुत जरूरी हैं। यह हमें याद दिलाता है कि कैसे विभाजन और संघर्ष ने हमारे समाज को प्रभावित किया है। आइए अतीत को याद करें, उसकी त्रासदियों से सीखें और नफरत और हिंसा से मुक्त भविष्य बनाने का प्रयास करें।
यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर